हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल जीके फॉर एग्ज़ाम। आज हम बात करेंगे बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग के कुछ क्वेश्चंस के बारे में। इससे पहले मैं 20-22 वीडियो बना चुका हूँ, ये नेक्स्ट वीडियो जो रेलवे जो सेकंड स्टेज का एग्ज़ाम है उसके लिए। तो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट क्वेश्चन है ये, तो ये हिंदी में दिया, अपने को इसमें बताऊँगा आपको इसमें करना है क्या। इसमें अपने को करंट निकालना है, इसमें अपने को करंट की वैल्यू निकालना है। तो किरचॉफ्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या होता है, जो नोड पे आने वाला करंट और नोड से जाने वाला करंट की वैल्यू इक्वल टू होती है। तो ये क्या अंदर आ रहा है ये, और ये भी आ रहा है, तो इसकी वैल्यू और ये जा रहा है बाहर, इसके इक्वल टू होगी। तो इस को अपन यहाँ पे लगाएंगे, तो 2+1 इक्वल टू क्या होगा, 2+1 इक्वल टू 1.3+i। ये i की वैल्यू है, ये i दिया यहाँ पे है ना, तो इसके इक्वल टू हो जाएगी। तो 2+1 इक्वल टू 1.3+i, तो यहाँ से i की वैल्यू निकालना है। तो कितनी आ जाएगी, i की वैल्यू हो जाएगी 1.7 एम्पियर, 1.7 एम्पियर जाएगी। तो आंसर क्या होगा, डी वाला होगा। किरचॉफ्स करंट लॉ के अकॉर्डिंग ऐसे सॉल्व होगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द करंट रेटिंग ऑफ 5 किलो ओम 1/2 वाट रेसिस्टर इज। तो करंट निकालना अपने को इसमें, तो अपने को एक फार्मूला पता है, पी इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर, एक फार्मूला होता है, इसको याद कर लेना। बाकी नहीं तो हर फार्मूला कौन याद करे, इसी में वैल्यू बदल के अपन अभी बताऊंगा मैं कैसे रखेंगे। अपने को वी की वैल्यू नहीं पता, अपने को वी का फार्मूला क्या, वी इक्वल टू आर आई होता है। तो आर आई लिख देंगे, आर तो ऊपर आर स्क्वायर आई स्क्वायर हो जाएगा, और नीचे आर है तो एक आर से आर कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, आर आई स्क्वायर बचेगा। तो पी इक्वल टू कितना हो जाएगा, आर आई स्क्वायर कितना हो जाएगा, पी इक्वल टू आर आई स्क्वायर। अपने को आई की वैल्यू निकालना है, तो यहाँ से करेंगे तो पी अपॉन आर अंडर रूट पी अपॉन आर हो जाएगा, है ना। तो अब ये वाला फार्मूला लगाएंगे, कितना कौन सा वाला, आई इक्वल टू पी अपॉन आर अंडर रूट, इस फार्मे को लगाएंगे अपन, अपने को पी अपॉन आर और अंडर रूट इसका निकालना। तो अपने को क्या 5 किलो ओम दिया है, तो 5000 ओम लिख देंगे इसको, और 1/2 वाट पावर दिया है, तो इसकी वैल्यू अपन निकालेंगे। 5000 ओम 1/2 रेजिस्टर सॉरी वाट पावर दिए, और करंट अपने को निकालना है। तो आई इक्वल टू पी की वैल्यू कितनी है, पी अपॉन मैंने बताया था ना, पी अपॉन क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा। तो पी की वैल्यू कितनी दी, 1/2 दिए, तो ये हो जाएगा। और आर की वैल्यू क्या दी है उनने, 5000 ओम, क्योंकि अपन ने किलो को हटा के ओम लिख दिया, किलो हटा दिए 10^3 से इंटू कर देंगे, तो इतना आ जाएगा। अब इसको करेंगे तो क्या आएगा, 2 5 10, तो नीचे कितना आएगा, 1/2 5 10, 1 0 2 3 4 0 जाइए। अब इसको बाहर लाएंगे तो कितना आएगा, 1/100 आएगा अंडर रूट के बाहर, और इसकी वैल्यू किसके इक्वल टू आएगी, 0.01। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा डी वाला एम्पियर, तो इसका आंसर होगा डी वाला, है ना। इस तरीके से होगा ये क्वेश्चन। उसके बाद थर्ड नंबर क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस ऑफ हीट ट्रांसफर नो मीडियम इज़ रिक्वायर्ड। तो रेडिएशन में अपने को मीडियम की जरूरत नहीं पड़ती, कंडक्शन कन्वेक्शन में पड़ती है, रेडिएशन में नहीं पड़ती। तो इसका आंसर होगा सी वाला, रेडिएशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए हॉट ऑब्जेक्ट लूजेज हीट टू इट्स सराउंडिंग इन द फॉर्म ऑफ हीट रेडिएशन, द रेट ऑफ लॉस ऑफ हीट डिपेंड्स ऑन द। तो ये किस पे डिपेंड करती है, टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड द सराउंडिंग, और उसके सराउंडिंग्स में। तो इसका आंसर होगा सी वाला। उसके बाद नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द बेस्ट कंडक्टर ऑफ हीट। तो इसका आंसर होगा सिल्वर, सिल्वर इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट, द मदरबोर्ड इज़ दी। तो अपने को इसमें से अंतर बताना, तो आंसर क्या होगा, मदरबोर्ड इज़ दी सर्किट बोर्ड डेट कॉन्टेंस CPU एंड अदर चिप्स। तो इसका आंसर हो जाएगा सी वाला, ये सेंटेंस से ही पता चल रहा है क्या है। उसके बाद नेक्स्ट, द फर्स्ट कंप्यूटर माउस वॉज बिल्ट बाय। तो इसका आंसर होगा ए वाला, डोगलास एंगेलबर्ट। तो ये आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, हाउ मैनी एरो कीज आर दियर इन ए कंप्यूटर। तो कितनी होती हैं, 4 होती हैं, आपने देखा होगा कंप्यूटर में। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, UPS का फुल फॉर्म सबसे पहले क्या होता है, अनइंटरप्टेबल पावर सप्लाई। तो इसका फुल फॉर्म होता है,
इसका काम क्या है, प्रोवाइड्स बैटरी बैकअप फॉर ए लिमिटेड टाइम के लिए। ये कंप्यूटर में होता ना, जब लाइट चली जाती है तो कुछ टाइम के लिए ये अपने को बैटरी बैकअप देता है, लिमिटेड टाइम के लिए देता है, 15-20 मिनट के लिए बस, ताकि जो वर्क है उसको अपन इजीली से बंद कर सकें, जो भी वर्क है जो, क्योंकि लाइट जाने से अगर यूपीएस नहीं होगा तो पूरा वर्क लॉस हो जाएगा या जो भी वो हो जाएगा। यूपीएस उसको क्या करता है, अपन आसानी से उसको बंद कर सकते हैं और उसके बाद कंप्यूटर को शट डाउन कर सकते हैं, इस तरीके से है। उसके बाद नेक्स्ट है फुल फॉर्म ऑफ CDM है। फुल फॉर्म ऑफ CDM एक क्वेश्चन आ चुका है पहले एग्जामों में, इसका आंसर होगा कोड डिवीज़न मल्टीपल एसेस, इसका आंसर हो जाएगा ए वाला। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स हैव ओनली आउटपुट डिवाइसेस, इसमें से बताना है किस ऑप्शन, किस ऑप्शन में ओनली आउटपुट डिवाइस हैं। तो ये इसका आंसर होगा डी वाला, प्लॉटर प्रिंटर और मॉनिटर, ये वाला इसका आंसर होगा। ये सब आउटपुट डिवाइस हैं, प्लॉटर प्रिंटर मॉनिटर स्पीकर, तो ये किस में आते हैं, ये आउटपुट डिवाइस में आते हैं। स्क्रीन इमेज प्रोजेक्टर ये भी आउटपुट डिवाइस में आता है, इसको भी याद रखना। तो ये पांच ये होगा, आप अच्छे से याद रखना जो पांच बताए मैंने आउटपुट। उसके बाद नेक्स्ट है इफ़ ए प्लेन सॉरी इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू HP एंड इंक्लाइन टू BP इट्स ट्रू लेंथ विल बी सीन इन, तो उसकी जो एक्चुअल लेंथ है वो किस में सी मतलब अपने को दिखेगी, फ्रंट टॉप साइड या जो जो भी है। अब उसको अपन देखते हैं थोड़ा क्या दिया इनने, जैसे कि अपन ने एक डायग्राम बना लिया, थोड़ा सही से बनेगा नहीं लेकिन आप इमेजिन करना, ED में सब इमेजिन ही करते। इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू HP, तो ये तो ओरिजेंटल प्लेन होगा, ये वर्टिकल प्लेन होगा, अपन फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन मान रहे हैं, मतलब फर्स्ट क्वाड्रेंट में इसको ले रहे हैं ना। तो इफ़ ए लाइन इज़ पैरेलल टू HP, HP के पैरेलल दिया और इंक्लाइंड किसके दिया है, वर्टिकल प्लेन के। तो अपन लाइन को कैसे मान लेंगे, पैरेलल HP के दिया है, इंक्लाइंड किसके दिया है, BP के। तो मान लो लाइन को ऐसे कुछ मान लेते, इधर इस तरीके से कुछ लाइन मान ली अपन ने, ये लाइन ऊपर है ना क्वाड्रेंट के, ये किसी भी प्लेन के अंदर नहीं, अपन ने ऐसी ले ली, यहाँ पे सही से शो नहीं कर रही। तो इस तो ऊपर से देखेंगे तो लाइन की जो ट्रू लेंथ अपने को दिखेगी, जो भी लाइन की जो एक्चुअल लेंथ है वो दिखेगी, लेकिन अगर अपन इधर से देखेंगे, मतलब इधर फ्रंट से देख रहा है, तो ये नहीं दिखेगी, क्योंकि इधर से इधर प्रोजेक्शन करेंगे इधर, तो एक्चुअल लेंथ नहीं दिखती। और ऊपर से अपन देखेंगे, ऊपर से देखेंगे तो इसकी जो एक्चुअल लेंथ दिखेगी, तो इसकी ट्रू लेंथ किस में दिखेगी, ये दिखेगी अपने को टॉप व्यू में, टॉप से देखेंगे ना तो इसकी एक्चुअल लेंथ दिखेगी जो भी है ये, लेकिन फ्रंट से नहीं दिखेगी। तो इसका आंसर होगा टॉप व्यू। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है साइज ऑफ ए D0 ड्राइंग बोर्ड इन MM इज, तो ये सब MM में है ना, तो इसका आंसर होगा फर्स्ट वाला 1500 × 1000 × 25, ये MM में है सब, तो इसका आंसर हो जाएगा ये D0 की है। ये सेकेंड वाला ऑप्शन D1 की, थर्ड वाला ऑप्शन जो है D2 की, और फोर्थ वाला ऑप्शन D3 की, ये सारी याद कर लेना, मैंने लाइन से लिख दी। तो ये इसकी ड्राइंग बोर्ड की साइज है, तो ये आप याद रखना फर्स्ट वाले की, इसमें आंसर क्या हो जाएगा इसका, फर्स्ट वाला हो जाएगा, बाकी आप सब ये भी याद रख लेना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 14th नंबर इफ़ द टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इज़ ए पॉइंट इट्स फ्रंट व्यू इज़, उसमें दिया है, जैसे कि अपन एक और थोड़ा देखते हैं इसमें, ये डायग्राम बना है, ये भी फर्स्ट प्रोजेक्शन अपन ले ले रहे हैं, डायग्राम सही से नहीं बना, एक मिनट फिर से बनाते हैं। जैसे कि ये बना दिया अपन ने, उसमें क्या दिया है, टॉप व्यू ऑफ ए लाइन इज ए पॉइंट, फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन ले रहा है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में अपन ये डायग्राम बना दिया उसके हिसाब से। तो इफ़ द टॉप व्यू ऑफ ए पॉइंट इज ए लाइन, ऑफ ए लाइन इज ए पॉइंट, तो मान लो टॉप व्यू इसमें क्या दिया है, लाइन का पॉइंट दिया है, तो मतलब इस तरीके से कुछ एक होगा लाइन, तो ऊपर से अपन इसको देखेंगे तो क्या इसका टॉप व्यू पॉइंट दिखाएगा, लेकिन अगर फ्रंट व्यू से देखेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो ये क्या एक्चुअल में लाइन ही दिखाएगी है ना, उसकी ट्रू लेंथ दिखाएगी। तो ट्रू लेंथ तो अपन को पता चल गया, ट्रू लेंथ दिखाएगी। उसके बाद ऑप्शन बताना है कि परपेंडिकुलर पैरेलल टू रेफरेंस लाइन या परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन, इस हिसाब से बताना अपने को। तो अगर अपन इसको ड्रा करेंगे, जैसे कि ये ड्रा कर दिया अपन ने, ये हो गया ऊपर हो गया एच वर्टिकल प्लेन हो गया और नीचे हो गया हॉरिजेंटल प्लेन। इसको इस तरीके से शो करने के लिए जो हॉरिजेंटल होता है उसको रोटेट कर देते हैं क्लॉकवाइज,
तो नीचे आ जाएगा हॉरिजेंटल प्लेन, ऊपर आ जाएगा वर्टिकल प्लेन, तो बी पी ऊपर नीचे हॉरिजेंटल प्लेन हो जाएगा। ये हॉरिजेंटल प्लेन को क्लॉकवाइज रोटेट कर देते हैं, तो इस तरीके से अपन इसको दर्शा सकते हैं। तो अपन इसमें क्या करेंगे, फ्रंट से देखेंगे तो इसमें क्या दिख रहा है अपने को, फ्रंट से देखेंगे तो अपने को क्या दिख रहा जाएगा, इसमें लाइन ही दिखेगी। तो मतलब फ्रंट व्यू कहाँ पे बनेगा इसका, वर्टिकल प्लेन पे बनेगा, मतलब इस तरीके से कुछ एक लाइन दिख रही। और टॉप से देखेंगे तो क्या दिखेगा, पॉइंट दिखेगा, और टॉप से देखेंगे पॉइंट दिखेगा वो किस में आ रहा है, वो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आ रहा है, तो इस तरीके से एक पॉइंट दिखेगा। तो इसका आंसर बताना, इट्स फ्रंट व्यू इज़ परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइंस एंड ऑफ ट्रू लेंथ। तो इसका फ्रंट व्यू क्या होगा, ये तो ट्रू लेंथ का बन ही रहा है ना, ये फ्रंट व्यू जो वर्टिकल प्लेन में बन रहा है, वो परपेंडिकुलर किसके, रेफरेंस लाइन की। ये क्या है, एक्स वाई, ये रेफरेंस लाइन है, इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है ना, ये इसके परपेंडिकुलर है, तो ये लाइन और ये, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा, परपेंडिकुलर टू रेफरेंस लाइन एंड ऑफ ट्रू लेंथ, ये इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट है, द फ्रंट व्यू एंड टॉप व्यू ऑफ ए लाइन आर रिप्रेजेंटेड बिलो एंड अबव द एक्स वाई लाइन रेस्पेक्टिवली, द प्रोजेक्शन आर ड्रॉन है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंगल, जो थर्ड क्वाड्रेंट में ये के लिए है, मतलब ये किसका केस है, थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का केस है, तो इसका आंसर हो जाएगा थर्ड एंगल। थर्ड एंगल में क्या होता है, जो इसमें फ्रंट व्यू ऑफ लाइन आर रिप्रेजेंटेड बिलो, मतलब फ्रंट व्यू किधर होता है इसका, इधर होता है फ्रंट व्यू, फ्रंट व्यू इधर होता है, और टॉप व्यू ऊपर होता है, टॉप व्यू ऊपर होता है इसमें, और ये थर्ड एंगल की बात चल रही है। अगर फर्स्ट एंगल की बात करेंगे तो इसका इन्वर्स हो जाएगा, इसमें ऊपर पहुंच जाएगा फ्रंट व्यू और नीचे जाएगा टॉप व्यू हो जाएगा। ये फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ये होता है, और थर्ड में ये होता है, टॉप व्यू ऊपर फ्रंट व्यू नीचे, इसमें फ्रंट व्यू ऊपर टॉप व्यू नीचे जाता, तो ये दोनों याद रखना, ये दोनों इम्पोर्टेंट है। तो दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए थे इस वीडियो में मैंने, वीडियो पसंद आता लाइक शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू।